हेलो सम्माननीय अभिभावक गण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को सभी को विदित है, कोविड-19 इंडिया के अंतर्गत बड़े खतरनाक चरम रूप में चल रहा है। और पिछले कोविड-19 से यदि अपन इसको कंपेयर करें तो इसका स्ट्रेन जो है वो पहले की तुलना में बड़ा डेंजरस स्ट्रेन है। और उसका डेथ रेट आप लोगों ने आंकड़ों में देखा होगा इंडिया के अंतर्गत, क्योंकि पिछला जो कोविड था उसको हमने इतना सीरियस नहीं लिया एक्चुअल में, और उसमें डेथ रेट भी इंडिया के अंतर्गत बहुत कम थी। लेकिन अब जो वर्तमान में स्ट्रेन है इसका, वो बड़ा खतरनाक स्ट्रेन है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग सभी घर पे रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि इसमें बड़ा एक ही फॉर्मूला कारगर सिद्ध है, स्टे होम स्टे सेफ। यदि इससे को लेके हम समझदारी से चलेंगे तो शायद हम इस कोरोना से जंग जीत पाएंगे। आज मैं जो आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा वो दोनों से करना चाहूँगा, अभिभावक गणों से भी मेरा कुछ अनुरोध होगा और प्यार बच्चों आपसे भी मेरा कुछ अनुरोध होगा। सबसे पहले बच्चों मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि पिछले सेशन में जो 11 क्लास के स्टूडेंट हैं उनका बहुत अच्छा सिस्टम हमने बेस्ड बना के उनका दिया है, और बहुत अच्छा उनका सिस्टम चल रहा था। रेगुलर वे में टेस्ट प्रोसेस चल रहे थे, सारा वो बड़ी अच्छे लेवल से मेहनत कर रहे थे, और अचानक कोविड बड़े स्तर पर फिर से एंटर हुआ इंडिया के अंतर्गत। था तो पहले से ही, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो रूप है वो बड़े स्तर पर देखने को मिला। और जैसे कि अपने नियम है, सरकारी नियम है, उनकी पालना करते हुए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत भी बच्चों की लाइफ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, उसको ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालयों को बंद किया गया। अब इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों की, अपना जो पढ़ाई का सिस्टम चल रहा था बेटा, उस सिस्टम को अपन कैसे अच्छा और कर सकें। देखो कहीं ना कहीं आप लोग खुद एक देखिए उस दौर को कि जब आपका रेगुलर वे में सिस्टमेटिक प्रोसेस से आप पढ़ाई कर रहे थे तो कितना अच्छा सिस्टम चल रहा था। अब उस पर कहीं ना कहीं बच्चों ब्रेक लगा है। अब ब्रेक लगा है तो उसको अपन को कंटिन्यूटी में अच्छे लेवल से लेके चलना है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप घर पे रह कर स्वस्थ रहकर और अपनी एजुकेशन को अच्छे सिस्टम से लेके चलें। अब इसमें साइंस कैंपस जो है वो आपके लिए हमेशा तत्पर रहा है। पिछले सेशन में भी आपने देखा होगा कि हमने इस कोविड-19 के दौरान अथक प्रयास किए आप लोगों की एजुकेशन सिस्टम के लिए, आपके लिए एजुकेशन अच्छे लेवल से मिले, अच्छे स्तर पर आपको मिले। अब इम्पोर्टेंट क्या है बच्चों कि आप घर पे रह के कैसे अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप रेगुलरिटी अपने स्टडी की रखें, और जो पिछला आपने पढ़ाया है उसको आप फिर रेगुलरिटी के साथ रिवाइज का जो पैटर्न है वो लेके चलें। और इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा, मैं भी अभी 8-10 दिन से बिजी था एक्चुअल में, कुछ रिलेटिव्स वो कोविड से पीड़ित थे और काफ़ी मैं भी उनके प्रति चिंतित था। तो भगवान की कृपा से, सीताराम बाबा के आशीर्वाद से वो लोग सब स्वस्थ होके और एक तरीके से कोरोना से जीत कर घर आ गए। तो अब मैं थोड़ा सा फ्री हूँ और अब ज़्यादा सोच रहा हूँ उसके लिए कि आप लोगों के लिए अच्छा कैसे हो। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अपन को क्या करना है, अपनी जो एक्चुअल में पढ़ाई की जो थीम चल रही थी उस थीम को अपन को अच्छे लेवल से आगे बढ़ाना है। ये अपना टारगेट ख़त्म नहीं हुआ। देखो आप लोगों को मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये कोविड अभी लंबा चलेगा और इम्पोर्टेंट है कि इसके अंतर्गत अपन कितना घर पे रह के अच्छा कर लेंगे। यदि वेट एंड वॉच करते रहेंगे हम तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे बच्चे। और आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि एजुकेशन तो अपन को आगे करके आगे अच्छा कुछ करना है, अच्छे जॉब्स में जाना है, अच्छे फील्ड में जाना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा कोविड के दौरान हमने किस तरीके से एजुकेशन को लिया, किस तरीके से हम पढ़ते थे, कितना समय हम यूटिलाइज करते थे। अब इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा थोड़ा सा, तो GOC का PDF मैंने आप लोगों को
सबको भेज दिया, और उस पीडीएफ को आप नोट कर लें, और जल्द ही आपको उसके वीडियो, एक्चुअल में वीडियो बन भी बने हुए भी हैं, लेकिन एक्चुअल में नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो नेट कनेक्शन वाले जो थे वो एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव थे, अब कोविड पॉजिटिव है तो वो थोड़ा सा नहीं आ पा रहे, तो एक दो दिन के अंतर्गत वो आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन हर बच्चा परफेक्ट अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखे और वीडियो देख के उन नोट्स को पूरी तरीके से तैयार करें। उसके बाद इम्पोर्टेंट है बच्चों की, आप लोग का जो एग्जामिनेशन है कि आपने जो कंप्लीट सिलेबस पढ़ा, तो जितना सिलेबस आपको पढ़ा दिया गया है उस सिलेबस का एक कंप्लीट एनुअल एग्जामिनेशन आपके लिए कंडक्ट हो, और उसके लिए प्लानिंग चल रही है। आपको एक दो दिन के अंतर्गत वो डेट घोषित कर दी जाएगी कि आप घर पे रह के अपना प्री एनुअल एग्जामिनेशन जो है, क्योंकि बेटा टेस्ट पे से या किसी एग्ज़ाम को देने से ही हम कहीं ना कहीं पढ़ाई की जो रिदम है उसको पकड़ते हैं, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि आपके जो टेस्ट हो रहे थे तो कितना अच्छा कंपटीशन आप लोगों में था और आप बहुत अच्छा कर रहे थे, बड़ी खुशी की बात थी, और उसको अपन को जारी रखना, इम्पोर्टेंट ये है। उसके बाद यदि मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो स्टडी पे ब्रेक लाएं, और एक दूसरा प्रोसेस से नंबर टू हम जो लेके चल रहे हैं इसमें, पहला तो आपका जो शेष रह रहा है जिन सब्जेक्टों में इम्पोर्टेंट पार्ट उसको कंप्लीट कराना, और उसके बाद आपका एनुअल एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कराएंगे, और उसको सीरियसली आप लोगों को देना है, क्योंकि आप प्रमोट 12th क्लास के अंतर्गत होंगे तो वो प्रोसेस मई के अंतर्गत प्रमोशन का आपका होगा।